अस्सलामु अलैकुम। मैं सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। कल रात को मेरी आंखों के सामने मेरे अब्बू को बेदर्दी से कत्ल किया गया और उसके बाद मेरे छोटे भाई को फायर मारा, उसको भी गोली मारी लेकिन उसकी टांग पे लगी। ये सब मेरे शहर की तंजीम ATI पसरूर ATI, उसने उनमें गुलाम नबी, तलहा भट्ट और उनके तमाम साथी जितने भी थे जो राड और पिस्तौलों के साथ मेरे मोहल्ले आए और उन्होंने मेरे अबू के ऊपर तशद्दुद किया और उन्हें भी रहमी से मारा। मैं सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो अपने अबू के जस्टिस के लिए बना रहा हूँ और मैंने वो जस्टिस दे के छोड़ना है और जिन्होंने मेरे अबू को मारा मेरे उन्हें सजा दे रही। मैं अपने अबू को नहीं वापस ला सकता, मैं अपने अबू को नहीं ला सकता। मेरा एक भाई हॉस्पिटल में है, अबू मेरे कब्र में है, अभी मेरी सदमे में है और एक मैं अकेला बचता हूँ। मैं अकेला क्या करूँगा? मुझे सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए। आप सब लोग ये वीडियो जहाँ तक हो सकता है शेयर करें। अगर इमरान खान साहब देखते हैं या कोई भी आला हुक्मरान देखता है तो सर मैं इतना कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनी जाए। मेरे अब्बू एक बेकसूर इंसान है और उन्होंने हमारे मोहल्ले में आके, जब हमारे मोहल्ले में कोई भी नहीं था, सब लोग बाहर थे, बस मेरे मोहल्लेदार ही थे, मेरे फैमिली का कोई भी नहीं था, उन्होंने ये फ़ायदा उठा के तमाम लोगों ने, 50-60 लोगों ने आके हमारे मोहल्ले में मेरे अबू को पहले कत्ल किया, उसके बाद मेरे छोटे भाई को फायर मारा और साथ में जो लड़के बचाने वाले थे उनको भी फायर मारा। मैं बच गया क्योंकि मैं वहाँ से भाग गया था। जब तक मैं वहाँ वापस आया हूँ तब तक वहाँ पे कोई नहीं था, सिर्फ मेरे अबू की डेड बॉडी पड़ी थी और उधर मेरा भाई। मैं बस इतना चाहता हूँ प्लीज़ जितने भी लोग हैं इसे शेयर करें और मैं तब तक नहीं चुप करूँगा जब तक मेरी बात आला कुरान तक नहीं जाती और मैं अपने अबू को जस्टिस लेके दूँगा। आप भी मेरी इसमें मदद करें। मैं किसी के साथ लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं ना कातिल हूँ ना मैं कातिल बनना चाहता हूँ, लेकिन जिन कातिलों ने मेरे अबू का कत्ल किया मेरे अबी के साथ मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें कानूनी तौर पर सजा जरूर दिलवाऊंगा और जितनी भी माएँ बहने मेरी ये वीडियो देख रही है प्लीज़ मेरे अबू की मगफरत के लिए दुआ करें, मेरी अम्मी के लिए, मेरे भाई के लिए, लगभग मेरे घरदार को कुछ रखे, मेरी फैमिली मेरे लिए सब कुछ थी और उन लोगों ने मेरा सब कुछ ही बर्बाद कर दिया। हम लोगों ने उनका बिगाड़ा क्या था? ना मैं लड़ता, ना मेरे अबू लड़ते, ना मेरा भाई लड़ता, फिर भी मेरे अबू के साथ नजायज किया, मेरे अबू को नजायज मारा। जो भी मेरे सोशल मीडिया यूज़र हैं सब लोग जितने भी लोग हैं इसको शेयर करें, अपनी वॉल्स पे लगाएं और जस्टिस चाहिए, जस्टिस फॉर दाऊद, मुझे चाहिए जस्टिस और मैं जस्टिस हासिल करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखना, सहर अफ्तारी में मेरे अबू की मगफरत के लिए दुआ करना और जिन्होंने मेरे अबू पर ज़ुल्म किया अल्लाह उन्हें कभी नहीं माफ़ करेगा। दाखिला जो भी पावरफुल आदमी है IG पंजाब, आप खुदा का वास्ता गनी टाइगर से रابطہ करें, मीडिया का कोई बंदा गनी टाइगर से रابطہ करें। मैं गनी टाइगर की ID आपको मेंशन कर रहा हूं, उसके वालिद को बेरहमी से कत्ल किया गया, उसके भाई को गोली मार दी गई, 40-50 लोगों ने उसके गांव पे धावा बोल दिया। मेरी अभी उससे बात हुई है, रो रहा है हिचकियों से, कल रात से अब तक उसके साथ मतलब जुल्म पे जुल्म होता जा रहा है। खुदा का वास्ता कानून नाम की कोई चीज होनी चाहिए, कोई कानून से बालातर तो नहीं होना चाहिए। कोई भी मसला है, कोई भी मसाइल है, कानून हल करेगा उसको। अल्लाह का वास्ता मैं ऑन बिहाफ ऑफ कराची के टिकटॉकर्स,
पाकिस्तान के टिकटॉकर्स, सिंध के जितने भी टिकटॉकर्स हैं, मैं आप सबसे अपील करता हूं, खुदा रा गनी टाइगर के लिए वीडियो बनाएं। अस्सलाम वालेकुम।